उज्जैन मानसून की पहली बारिश ने ग्राम पंचायत धद्रावदा पंचायत के साफ सफाई व जल निकासी के दावों की पोल खोल दी। नाले नालियों की सफाई न होने और चौक होने से बारिश का पूरा पानी सड़क को नाली का रूप दे रहा है। इतना ही नहीं, नाले नालियों की सील्ट पूरी सड़क पर फैलने के साथ मकानों में भी गंदा पानी घुस रहा है। चौतरफा गंदगी फैलने व जल भराव की स्थिति पैदा होने से स्कूली छात्रों व लोगों का निकलना दुर्भय हो गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत धद्रावदा में विकास कागजों में नजर आता है, मगर धरातल पर तस्वीर कुछ और ही है, जो इस बारिश में उभर कर सामने आ रही है। पूर्व सरपंच व सचिव ने गांव के विकास के नाम पर स्वयं का विकास करके सबका साथ सबका विकास के नारे को फर्जी बता दिया। जी बताएं, किस चीज की समस्याओं को लेकर आज मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और क्या मामला आपका और क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हमारा सरपंच कुछ सुन नहीं रहा है। पहले भी जो था सरपंच वो भी कुछ नहीं करा। ये हमारी रोड देख लो आप, रोड कभी बनी नहीं, कॉलोनी में से पानी बाहर निकल ही नहीं रहा है। ये इस साइड देख सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है और लोग ये परेशान हो रहे हैं। वो देखो, दो दिन से अंदर है, वो घर में निकल ही नहीं पा रहे। आप थोड़ा कैमरा इधर करें, दिखाएं सबको। सबने अपने मकान कब्जे कर लिए हैं, नाले सब बंद हो गए हैं। ये सब शिकायत है हमारी। तो ये नाला जो बना हुआ है बहुत टाइम से, मैं भी देख रहा था, इस नाले में अभी तक कोई निर्माण कार्य भी हुआ ऊपर या नाले के ऊपर ही मकान बन गए हैं तो पानी निकलेगा कहाँ से? आला अधिकारी या किसी को शिकायत की थी आपने? कई बार शिकायत हुई, पूरी नहीं हुई। सरपंच द्वारा भी करी गई, यहाँ के जो दूसरे लोग हैं उनको भी करी, लेकिन किसी ने कुछ सुनवाई करी नहीं। आप क्या चाहते हैं जो सुनवाई नहीं होगी? तो जाएंगे आगे आगे भोपाल तक ले जाएंगे बात। ये कॉलोनी के बारे में बताएंगे, भोपाल तक जाएगी यहाँ की चीजें जो हो रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत सिंह पवार।